सो है एवरी वन वेलकम माई यूट्यूब चैनल रजीमे कोवर कैसा है आप सब आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा चैनल को करिएगा गाइज सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हो तो और अगर आप ऐसी स्किन हेयर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में मुझे बताइएगा फीडबैक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को कर लिया है रेडी पहले अपने मेकअप के लिए एंड पहले मैं अपनी जो है आईब्रो को ड्रॉ करूँगी ठीक है इस तरीके से आईब्रो ड्रॉ करने के बाद जो है मैं अच्छी तरीके से अपने आई बेस को कंप्लीट करूँगी अपनी आई मेकअप के लिए तो मैंने काफ़ी लाइट ड्रा करी है ज़्यादा जो है डार्क नहीं करा हुआ है मैंने तो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने जो मेकअप किया है वो मीडियम में है ना ही ज़्यादा है, है ना ही कम है है ना नॉर्मल मेकअप किया हुआ है नॉर्मल तो नहीं बोल सक बोल सकते आप पार्टी वेयर मेकअप बोल सकते हो इजीली इस तरीके से तो जो है मैं पहले अपनी आईज़ को जो है पहले जो आईब्रो है उनको शार्प करके अपनी आईज़ को करूँगी कंसील ठीक है कंसील करने के बाद जो है मैं अपना आई शेडो अप्लाई करूँगी तो पहले अपनी आईज़ को हमें रेडी कर लेना है प्रॉपर तरीके से क्योंकि हम जो कंसील करते हैं गाइस उसको कई लोग क्या करते हैं सेट नहीं करते हैं सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वरना क्रीज लाइन पड़ने लगती है ना इस तरीके से पहले मैं करूँगी ब्लेंड अच्छी तरीके से आप चाहो तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो बट मुझे जो है ब्लेंडर से ज़्यादा जो है कंफर्टेबल लगता है ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड उसके बाद जो है मैं सेट कर दूँगी लूज़ पाउडर की हेल्प से ही ठीक है इस तरीके से इससे बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं गाइस हमारी आइज़ पे क्रीज लाइन पड़ने के ठीक है अब मैं जो है अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी गाइस तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए जो है मैंने पहले लिया है लाइट शेड लिया था लाइट ब्राउन कलर उसको मैं क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी क्रीज लाइन पे आप देख सकते हो गाइस हमें अपने आईज मतलब किसी भी कलर को अगर उभारना है तो पहले लाइट से लेके धीरे धीरे डार्क करना है हमें है ना अगर आप एग्जैक्ट कलर चाहते हो ना तो पहले आप लाइट शेड अप्लाई, अप्लाई करोगे उसके बाद धीरे धीरे करके जो है अपन जो है डार्क शेड पर आएंगे तो काफ़ी उभर के वो कलर हमको मिलता है इस तरीके से आप देख सकते हो एंड मैं दूसरी आइज़ पे भी सेम वही करूँगी एंड फिर उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप था कि मैंने डार्क कलर फिर से पिक किया था तो आई एम वेली सॉरी गाइज़ कि मेरे पास कोई हेल्प के लिए नहीं रहा था इसलिए मैं प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों के लिए लेकिन प्रॉमिस नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा मेरा पक्का मैं कैसे भी करके आपको जो है प्रोडक्ट के साथ ही काम बताऊँगी ठीक है इस तरीके से तो अब जो है ये मैंने अप्लाई कर लिया है दोनों आइज़ पे एंड अब मैं जो थोड़ा सा डार्क शेड लेके जो है मैं जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है उस पर अप्लाई करूंगी इस तरीके से आप देख सकते हो ये लिया मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर उसको जो है मैं आउटर कॉर्नर पर फिर से उसी तरीके से ब्लैंड करूँगी ठीक है जिससे कि थोड़ा ना हमारा जी आपने पहले भी देखा है ना दोनों में डिफरेंट देख सकते हो आप इसके बाद जो मेरी आई बॉल पर और थोड़ा सा जो इनर कॉर्नर की साइड मेरा आई बोल से इनर कॉर्नर की साइड जो है मैं वाइट ग्लिटर को लेके गई हूँ शिमरी शेड था सॉरी वाइट शिमरी शेड था क्योंकि इसके बाद जब मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी तो ग्लिटर अच्छी तरीके से जो है उभर के दिखेगा हमारी स्किन पे है ना तो हमें वही चाहिए था इस तरीके से एंड जो है हमारी आईब्रो को हाईलाइट कर लेंगे हम ठीक है इस तरीके से एंड उसके बाद मैं अपने फेस को करूँगी रेडी तो मेरे फेस पे गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप देख सकते हो ना डार्क सर्कल्स है ना कोई डार्क मतलब कोई भी डार्क स्पॉट्स पैचेस कुछ भी नहीं है ठीक है इस तरीके से इसको हम प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करेंगे गई इसमें जो भी मेरे वीडियो जाते हैं प्रॉपर थे मेकअप के वीडियो में ही मैं आपको मेकअप में मिलूंगी वरना जो अदर वीडियो में मैं आ कभी मेकअप नहीं करती हूँ ओनली फो जो है लाइट शेड लिपस्टिक मैं कभी यूज़ कर लूँ वरना मैं जो नॉर्मल रहती हूँ वैसे में ही मैं आपको अभी तक के वीडियो गए मेरे बट आप लोगों को जो है उसका वीडियो देती हूँ मेकअप का तो उसमें करना पड़ता है उसके बाद मेरा बेस जो है रेडी हो गया है अब मैं कॉन्टूर करूँगी तो कॉन्टूर हमें किस जगह करना है तो आप ध्यान देखिएगा ठीक है मुझे पता है मुझे किस जगह करना है इसलिए मैंने आपको फेस का जो है एक रिएक्शन नहीं बताया कि किस तरीके से आपको फेस को करके जो है कॉन्ट्रोल करना है तो उसका वीडियो मेरे इससे पहले वाले मेकअप के वीडियो को आप चेक करिएगा या फिर मैं आप लोगों को लास्ट में जो है आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर मैं आपको आई बटन पर जो है वीडियो दे दूँगी तो आप चेक कर लेना अगर आपको थोड़ा इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है या फिर कमेंट कर सकते हो आप मैं कमेंट में आप लोगों के साथ का आप लोगों को क्लियर कर दूंगी और गाइज़ अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है मेरा जो है उसकी आईडी है इट्स रजनी ब्यूटिशियन करके तो आप उस पर जाके भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हो उस पर भी जो है मैं काफ़ी कुछ पोस्ट करती रहती हूँ ठीक है और उस पर मैं जो है आपसे बात कर सकती हूँ इस तरीके से सो जो मेरा हाईलाइट था जो हमें फेस से एक से दो टोन लाइट लेना होता है हाईलाइट के लिए तो जिस जगह हमें हाईलाइट करना होता है वो ये है गाइस आइस के नीचे नोज़ हुआ फोरहेड अपर लिप्स चिन है ना और ये चीक्स हुए इन जगह हमें जो होता है हाईलाइट करना होता है अच्छी तरीके से हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे पहले मैं हाईलाइट ब्लेंड करूँगी उसके बाद जो है मैं कॉन्टूर को ब्लेंड करूँगी ठीक है तो आप देख सकते हो काफ़ी मतलब डिफरेंट हो जाता है मैंने पहले बेस तक कंप्लीट करा था जब आपने देखा था मेरा फेस का लुक एंड कॉन्टूर हाईलाइट होने के बाद आप मेरा बेस फेस का लुक देख सकते हो है ना फेस काफ़ी चेंज हो जाता है शार्प दिखने लगता है एकदम ओके तो अब देख अब मैं जो है ये हमारा कॉन्टूर ब्लैंड कर लिया काफ़ी लाइट कराया मैंने कॉन्टूर वगैरह भी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरा इतना भरा हुआ फेस नहीं था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े ठीक है इस तरीके से अब मैं इसको जो है सेट करूँगी लूज पाउडर की हेल्प से तो इसको मैं जो है एक एक, एक मिनट के लिए एक या डेढ़ मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको यूज़ अप्लाई करके ओके बेक के लिए छोड़ दूँगी एंड उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगी अपने सॉरी मैं अब अपनी लो एडलेस लाइन का जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट करूँगी ठीक है गाइस थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होती है तो सॉरी है ना समझ सकते हो आप क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी ईजी भी हमें समझाने की कोशिश करती हूँ ना तो कई शब्द समझ में नहीं आते कि इसे मैं क्या बोलूँ इसलिए इसलिए तो ये देख सकते हो आप लो एंड लेस लाइन पे जो मैंने क्रिस लाइन पे आ, हाँ क्रिस लाइन पे अप्लाई किया हुआ था वही कलर जो है मैं लो एलो एंड लेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ठीक है इस तरीके से वो ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी इसको भी मेरे को ये नहीं है कि मेरे को लगा के छोड़ देना है तो आप देख सकते हो कैसा काफ़ी प्यारा लग रहा था गाइज मेरा ये आई मेकअप आप देख लेना लास्ट में एंड जो मैंने बेक के लिए छोड़ा था लूज पाउडर अप्लाई करके उसको जो है मैं क्लीन कर दूँगी ठीक है इस तरीके से एंड उसके बाद जो है मैं आई लेश अप्लाई कर लूँगी मैंने आई लेशेस अप्लाई कर ली है उसका वीडियो मैंने हटा दिया है काफ़ी लॉन्ग हो जाता वीडियो आप लोगों के लिए एंड उस एकदम जो है मैंने अभी यू आई लैंडर यूज़ कर रही हूँ मैंने आई लाइनर थोड़ा मोटा लगाया हुआ है जैसे कि मैंने आता है काफ़ी डिफरेंट मेकअप देने वाली हूँ मैं इस बार और हाफ लाइ मतलब हाफ आइज पे लगाया हुआ था मैंने जो था सिर्फ आई बोल जो होती है ना हमारी हाफ़ आई बोल पे तक के यू मैंने यूज़ किया है बस अपना लाइनर ओके उसके बाद जो है मैंने फुल आई बोल पे ये देख सकते हो आप ग्लिटर जो है मैंने यूज़ किया हुआ है इसके बाद जो उभर के दिख रहा है मेरा ग्लिटर एंड उसके बाद जो है थोड़ी सी स्माइल देते हुए मैंने अपने फेस पे ब्लशर यूज़ करूँगी ये काफ़ी अगर आप स्माइल देते हुए यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे से जो है लग जाता है हमें जिस जगह हमारी स्किन पर लगाना है और हमें उसी जगह जो है ब्लशर लगता है थोड़ा सा मैंने नोज़ को ब्लश किया है रेड रेड करने के लिए एंड उसके बाद मैं हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया हुआ था उस जगह हमें यह हाईलाइट करना है ओके इस तरीके से सो गाइस प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ क्योंकि आप लोगों का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है समझो ना आप है ना आपके बगैर मैं नहीं आगे जा सकती हूँ प्लीज़ तो गाइस सपोर्ट मी ओके सो so गाइस ये मेरा फाइनल लुक लिपस्टिक लगाने के बाद जो है आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा सो so गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर